नमस्कार दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है आप लोगों का 6 सितंबर और आज हमारे एक भाई ने एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो सुनिएगा इनका एक्सपीरियंस। जी जो है डिस्क्वालिफाइड हो चुके लेकिन फिर भी हर एक बंदे का एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए इंपोर्टेंस रखता है, तो इन भाई का एक्सपीरियंस भी पूरा अंत तक ध्यान से सुनिएगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो है मेरा MCG डिफेंस एकेडमी चैनल है उस पर जुड़ जाना है, क्योंकि उस पर आप लोगों के लिए डिफेंस की सारी क्लासेस जल्द से जल्द लेकर के आने वाला हूँ। इस चैनल पर हमारी एकेडमी क्लासेस साथ ही साथ जो CTET की क्लासेस हैं लगातार चल रही हैं, तो आप लोगों को इस चैनल से यदि स्टडी करना है तो इस चैनल से भी लगातार जुड़े रहिएगा। जल्द से जल्द आप लोगों के लिए ऑफलाइन बुक्स भी जो है ऑनलाइन बुक्स भी घर बैठे उपलब्ध करवाई जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और RPF का जब तक कि पूरा फुल ज्वाइनिंग नहीं हो जाता हर एक अपडेट आप लोगों को हमारे चैनल पर सबसे पहले दिया जाएगा। ओके, तो एक्सपीरियंस वीडियो को 90 पार्ट से पहले 89 पार्ट में आप लोगों के लिए तैयार कर चुका हूँ, तो प्रत्येक वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके। हर एक बंदा आप लोगों को कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा, तो प्रत्येक बंदे का एक्सपीरियंस पूरा अंत तक और ध्यान से सुनिएगा। सुनिएगा इन भाई का एक्सपीरियंस भी। नमस्कार सर, मैं MCG अकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। सर आपका जो है टेस्ट हो गया ना? सर आप जो है अपना एक्सपीरियंस अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहते हो तो बताइए सर, किस प्रकार से क्या क्या होगा सर? बताइए सर। मैं घर से बड़ोद गया, बड़ोद से सागर गया ट्रेन से, सागर से मेट्रो ली, सीधा शहर रोहिणी। मेरी मौसी है, मैं वहां ऊपर फिर उधर से भैया ने ड्रॉप कर दिया। सर थोड़ा और तेज बोलिए थोड़ा सा, तो ये वॉइस प्रॉब्लम आती है बाद में जब वीडियो तैयार होती है। हाँ तो अदला से मेट्रो में गया, हाँ एक साथ बढ़ा दिया और जो पहले बढ़ के आगे बैठ के लाइन में सर। सर बायोमेट्रिक में क्या क्या करवाया सर? शीतल अंदर से तो वो आई पर्ची, हाँ हाँ सर। अपना नाम देखा, फिर दोबारा से फिर साइन करवाए, फिर दोनों अंगूठे लगवाए उसमें। हाँ बोलिए सर, मतलब इस प्रकार से एक्सप्लेन करना है कि कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए बच्चों का।
रुमाल वाला यूज कर रहे थे मतलब। हाँ सर, उसके बाद क्या हुआ? चलो इतने में एक दो रोटी बन पाती है बस। हाँ सर, पानी डाला थोड़ा सा, चौल गीला सा कर दिया मैंने, वो साइड में कर दिया, जो थोड़ा सा सूखा रह गया उसमें दोबारा से पानी डाला, उसमें ज्यादा पानी डाल गया। ज्यादा पानी डल गया तो सर उसके लिए अपन पहले आटा निकाल के रख सकते हैं या नहीं? नहीं उसके अच्छा रोटी बनवा रहे हैं, पानी आटा बनवा के देंगे, बनवा के देंगे। आटे में थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल दिया, वजह थोड़ा सा मेरा ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता, हल्का सा ही था, मतलब आज से तो चल रहा था। वो बता रहे थे हाथ में यदि चिपका तो फैल। हाँ, अगर हाथ में उनके चिपक गया, उंगली लगा के भी देखते हैं आटा गीला है या सॉफ्ट है, हाथ में उठा के देखते हैं ऐसे, अगर चिपक गया ऐसे देखते हैं। उसके बाद इसका सही लगता है, उसकी साड़ी आगे को कर लेते हैं, अपनी साइड को भेज लेते हैं जिसका सही लगता है। उसके बाद फिर पूछते हैं किसका है किसका है, और ये नहीं कि हाथ में लग रहा हो रिजेक्ट करते गए, ऐसा तो कुछ नहीं है। वादी का मैंने देखा जिनका सिलेक्शन हुआ उनके हाथ में हाथ भी लग रहा था, उन्होंने पूछा नहीं, बस आज आज से नहीं करे उन्होंने आज आठ अलग अलग क्या लगा। ऐसा कुछ नहीं है, और फिर वहाँ से नाम वाम सब कुछ समझा, और हमने तो तुरंत ही निकाल दिया, पाँच मिनट पाँच मिनट बाद निकाल दिया। जैसे ही 3:20 मेरे टाइम पे क्या हो गया, पहले वाले क्या होगा मतलब सर सही समझ नहीं आया सर, मतलब उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सेकंड राउंड होगा? अच्छा सर, मेरे तो पहले वाले बैंक में भी नहीं हुई थी, उसके बाद तो हमें तुरंत ऑर्डर उठाया, अभी ऑर्डर उठाओ उसमें पूरे नाम डाल दो, एक वो रखा है वाइट टैक्स का, तो सारा ऑर्डर गिर होता। जो लोग क्वालिफाइड थे उन लोगों के लिए सेकंड राउंड करवाया? हाँ, उनके लिए तो सेकंड राउंड हुआ होगा, सेकंड राउंड तो होने ही है, एंड भी रखते थे वहाँ का सिलेंडर रखते थे, मैं देखा था दो राउंड तो क्लियर ही आपको हो गया, चार पांच ट्रे रखती थी एंडिंग, और सिलेंडर नीचे वाले रखते थे वहाँ का, फिर उनका होया होगा जो भी होया होगा, मतलब रिजेक्ट हो गया था। ओके सर, और कुछ आप स्पेशल बंदों को बताना चाहते हो जो कुछ भी आपने स्पेशल देखा हो, जिससे क्योंकि
बच्चों का, मेरा एक ही टारगेट है, बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए वहां पे क्या करना होगा आप तो ये बताइए बस सीधा सीधा। मैनेजमेंट सबसे बड़ा काम है वहां पर, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा काम है वहां पर। चलो कोई बात नहीं सर, जिंदगी बहुत मौके देगी, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आटा गूंदने के लिए दोबारा से जब पानी डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा डालें, थोड़ा थोड़ा डालें तो सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि हड़बड़ाहट में ज्यादा गिर जाता है, ज्यादा गिर जाता है। हाँ हाँ और ये ये नहीं है कि हाथ चेक करके भी हाथ अच्छा लग रहा है तो हाँ, अगर ज्यादा ही लग रहा होगा जिसका गिल्ला होगा आटा उसका तो हाथ लगना ही लगना है, बाहर निकाल देते हैं गिल्ले में तो जिसका सही होगा उसको तो हाथ अपने आप ही छोड़ जाएगा। ये भी सही है आपका। और बिल्कुल बताओ। सर, आप कुछ ऐसा मोटिवेशन रूप में कहिए जिससे बंदा थोड़ा मोटिवेशन हो, कर सकें, क्लियर कर सकें। वहां जाके घबराना नहीं, जैसे ही सीटी बजेगी अपना पानी डाला ऐसे हल्के से किया तो हल गीला कर दिया, उस साइड में कर लो जो थोड़ा सा सूखा रह गया उसमें थोड़ा सा पानी डाला ये सारा एक जगह समेट के ऐसे काली में घुमा के सारा एक जगह समेट दो, बस गीला नहीं होना चाहिए। गीला नहीं होना चाहिए। हाँ वो हाथ में उठा के देखते हैं बीच में देखेंगे अगर उनके हाथ में चिपक गया हाँ और डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक लगा तो क्वालीफाई कर देंगे। ये बिल्कुल सर, थैंक यू एक सर। लड़का था, एक लड़का था मेरे बैंक में, उसकी एक बॉन में एक अभी उनसे था वो उनसे पूछ रहे थे कि ऐसा घूम गए तो मुझे तो इतना खास नहीं लगा उसका अच्छा, बस मैं भी हाँ ठीक से रहा उसे वो कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां जा रही है वही चीज है ये काम ऐसा किया उसका। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है अपना कीमती समय अपने भाइयों के लिए निकाला है जो, थैंक यू सर। बस सर इतना ही, जो कुछ भी था क्लियर हो गया। क्या सर? हाँ डॉक्यूमेंट के बारे में बताइए यदि आपको नॉलेज हो तो। ऐसा आधार कार्ड भी ना। हाँ हाँ आधार कार्ड तो जो स्टार्टिंग में हो गए हैं ठीक है, आगे भी बायोमेट्रिक होंगे मार्क में आधार कार्ड की जरूरत, बस मूल निवास 10वीं 12वीं की मार्क नहीं बस यही चाहिए, यही सब कुछ चाहिए ना। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना एक फोटो भी